हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर इस कॉलेज के बारे में, जो कि एक साइंस कॉलेज है और जहाँ से आप अलग अलग सब्जेक्ट में बीएससी कोर्सेज को कंप्लीट करके डिग्री ले सकते हो गाइस। तो इस वीडियो में मैंने इस कॉलेज के बारे में ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स कवर की है गाइस, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू रीच दिस कॉलेज। तो देखिए गाइस, ये कॉलेज है रविंद्रनाथ टैगोर रोड अपोजिट एयर इंडिया ऑफिस सिविल लाइंस में, और जो भी नागपुर में रहता होगा उसको सिविल लाइंस के बारे में पता ही होगा और कभी ना कभी वो गया ही होगा। तो आने जाने के लिए जो नागपुर में रहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, और वैसे भी स्टार बस ऑटोज़ वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं ईजिली, तो ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट का आपको कोई टेंशन नहीं होगा। और अगर आप खुद की व्हीकल लेके जा रहे हो तो आप ज़रूर हेलमेट पहन के ज़रूर जाना गाइस, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप बाहर से आ रहे हो तो देखिए, नागपुर में दो रेलवे स्टेशन्स है, एक अजनी और एक नागपुर जंक्शन, और इसके अलावा एयरपोर्ट भी है, तो और बसेस भी अवेलेबल होती है इजीली। तो अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आप तीनों में से किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके आप इजीली नागपुर में आके इस एड्रेस पे इजीली जा सकते हो, जो मैंने पहले स्लाइड में कॉलेज के लोगों के नीचे दिया हुआ है। तो वहाँ से आप कॉपी करके गूगल मैप में डालोगे तब भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो देखिए, ये इस्टेब्लिश हुआ है 1906 में, तो इसको 100 साल से भी ज़्यादा हो गए इस्टेब्लिश होके। इसके बाद जब ये इस्टेब्लिश हुआ था गाइस, तो इसका नाम पहले था विक्टोरिया साइंस कॉलेज, बट वो बाद में चेंज हो गया। ये एफिलेटेड है गाइस राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ। इस कॉलेज को नैक का ए ग्रेड मिला है, और अगर आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो 12th मेरिट बेस। अगर कैंपस के बारे में हम बात करेंगे तो गाइस, कैंपस अच्छा है। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स भी है, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, फिर टग ऑफ वॉर, इंडोर गेम्स है, टेबल टेनिस हॉल है, योगा हॉल, जिमनास्टिक्स है, फेंसिंग है, पावर लिफ्टिंग, जूडो, टाइकंडो, बैडमिंटन, तो ये सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाते हैं, तो आप भी स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो। यहाँ पे गाइस जिम भी है, तो जिसकी फ़ोटो मैंने यहाँ पे डाल के रखी है, जिम और योगा सेंटर दोनों है। कैंटीन भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स रहती है वो आपको इस कॉलेज कैंपस में मिल जाएगा। अगर बात करें इवेंट्स की तो गाइज, इस कॉलेज में भी काफ़ी इवेंट्स होते हैं, जिसकी मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पे डाल दी है। ये है गाइज 2018 और 19 की लिस्ट। इसके अलावा और भी कुछ इवेंट्स अभी बढ़ गए होंगे क्योंकि अभी 2020 शुरू है। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ LACF कमेटी मेंबर, फिर इनॉग्रल फंक्शन ऑफ LACP, RTA मिनी बेस्ट, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, टीचर्स डे प्रोग्राम, कल्चरल टीम ट्रायल ऑफ यूनिवर्सिटी, आविष्कार टीम सिलेक्शन, और भी बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं। तो इवेंट्स अगर होते हैं तो आपको भी मतलब इंटरेस्ट आएगा कॉलेज जाने में और भी मतलब अदर एक्टिविटीज़ करने में। कैंपस और इवेंट्स के बाद अब हम बात करेंगे गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है इस कॉलेज में कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं। तो देखिए गाइस, अगर आपको बीएससी करना है मैथमेटिक्स ग्रुप में तो PCM आप ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जिसका इंटेक है 56। फिर आप फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स ले सकते हो, जिसका इंटेक है 32। फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैथमेटिक्स ले सकते हो गाइस आप, जिसका इंटेक है 16 स्टूडेंट्स का। या फिर फिजिक्स कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स आप ले सकते हो, जिसका इंटेक है 16 स्टूडेंट्स का। तो अगर आपको बीएससी बायोलॉजी ग्रुप से करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सबसे पहला है केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, जिसका इंटेक है 88 गाइस। फिर है केमिस्ट्री बॉटनी एनवायरमेंटल साइंस, उसका इंटेक है 16। और फिर है केमिस्ट्री जूलॉजी एनवायरमेंटल साइंस, यहाँ पे गलती से बॉटनी हो गया गाइस, वहाँ पे जूलॉजी चाहिए, तो उसका इंटेक है 16। तो आप दोनों मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में बीएससी यहाँ से कर सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप यहाँ से बीएससी कर सकते हो। आपको बीएससी करने के बाद एमएससी करना है तो वो भी आप इस कॉलेज से कर सकते हो गाइज़। आप एमएससी कर सकते हो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, बॉटनी में, जूलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, एनवायरमेंटल साइंस में, तो ये सारे सब्जेक्ट में से किसी भी इसमें आप यहाँ से एमएससी भी कर सकते हो। इसका क्या फीस स्ट्रक्चर होता है वो भी मैं आपको आगे वाले पार्ट में बताता हूँ गाइज़। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए गाइज, अगर आप मैथ्स ग्रुप में बीएससी कर रहे हो इस कॉलेज से तो आपको ऑलमोस्ट पर ईयर 4000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एक साल के 4000, दूसरे साल के 4000 और तीसरे साल के 4000, तो कुल मिला के आपको बीएससी करने के लिए 12000 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ेगा। और अगर आप बायोलॉजी ग्रुप में कर रहे हो तो उसमें भी आपको ऑलमोस्ट 12000 रुपीज़ के आसपास ही पे करना पड़ेगा। अगर हम कैटेगरी वाइज फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं बीएससी के लिए, तो देखिए अगर आप मैथ्स या बायोलॉजी दोनों इसमें किसी में भी कर रहे हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर की फ़ीस 2000 रुपीज़ के आसपास ही पे करना पड़ेगा। तो जो ओपन की फ़ीस है वो जाती है ऑलमोस्ट 4000 पर ईयर, और जो कैटेगरीज़ की फ़ी जाती है वो जाती है ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ के आसपास गाइज।
अगर MSc के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करेंगे ओपन कैटेगरी के लिए, तो देखिए अगर जो भी MSc मैथ्स में कर रहा है तो उसको ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट MSc केमिस्ट्री बॉटनी फिजिक्स जूलॉजी स्टैट EVS में कर रहा है तो उसको ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ के आसपास पे करना पड़ेगा। अगर हम कैटेगरी वाइज MSc की फ़ीस देखेंगे तो कैटेगरी वाइज MSc की फ़ीस ऑलमोस्ट 2500 से लेके 3000 तक वैरी होती है गाइज। तो ये हो गया फ़ी स्ट्रक्चर। इस कॉलेज में गाइज हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, ऐसा वेबसाइट में दिखा था मुझे, बट उसके जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो मुझे नहीं दिखा। तो अगर आपको हॉस्टल लेना है तो आपको कॉलेज में जाके ही विज़िट करना पड़ेगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप कोई भी कॉलेज में हॉस्टल लेते हो तो आप अपने सीनियर या फिर कोई भी दोस्त रहता है उस कॉलेज में, तो उससे आप एक बार पूछ सकते हो कि हॉस्टल कैसा है और फैसिलिटीज़ कैसे है, ताकि आपको ज़्यादा आगे जाके दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड या फिर कोई भी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है तो गाइज ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले